दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पायल और आज हम आपको सुनाते हैं कश्मीर की एक बहुत ही मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है, कश्मीर में एक बादशाह हुआ करता था। उसकी मलका बहुत सुंदर और समझदार थी। बादशाह का महल झेलम नदी के किनारे था। मलका अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर के नजारे देखा करती थी। एक दिन शाम के समय उसने देखा कि एक महिला नदी के किनारे से चली आ रही है। थोड़ा नजदीक आने पर उसने देखा कि उस महिला के पास मछलियां हैं। उसने एक नौकरानी को भेजकर उस महिला को बुला लाने के लिए कहा। नौकरानी उस महिला को लिए हुए मलका के पास पहुंची। मलका ने उससे मछली दिखाने के लिए कहा। मछली वाली ने अपनी टोकरी नीचे रख दी। मलका ने देखा कि उसकी टोकरी में एक बहुत सुंदर सी मछली रखी हुई है। मलका ने मछली वाली से उस मछली को देने के लिए कहा। फिर मलका ने अनायास ही एक अजीब सा सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे बता सकोगी कि ये मछली नर है या मादा? ये बात सुनते ही मछली जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर मलका को तो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई मछली इंसानों की तरह हंस भी सकती है। फिर इसके बाद क्या हुआ इस कहानी में, ये हम जानेंगे, मगर उससे पहले आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से
वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। मलका महल की खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उन्हें एक मछली वाली जाते हुए दिखी। उन्होंने उसे बुलवा लिया। मलका ने मछली वाली से एक मछली दिखाने के लिए कहा। मछली वाली ने टोकरी को नीचे रख दिया। उसकी टोकरी में एक बहुत सुंदर सी मछली रखी हुई थी। मलका ने कहा कि ये मछली तो बहुत सुंदर है, मैं इसे लेना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये मछली नर है या मादा? मलका के इस सवाल पर मछली वाली कुछ कहती, तभी वो मछली जोर जोर से हंसने लगी। हंसी की आवाज सुनकर सभी बौचक कैसे हो गए। मलका ने मछली लेने से मना कर दिया। उन्होंने मछली वाली को कुछ अशरफी देकर विदा कर दिया। मछली वाली टोकरी उठाकर अनमने भाव से वहां से चली गई। मलका मछली के हंसने से बहुत अचंभित हुई। उन्होंने अपनी नौकरानी से पूछा, क्या कोई मछली हंस भी सकती है? मलका की बात सुनकर नौकरानी ने कहा, हमने तो पहले कभी ऐसा नहीं सुना मलका, हो सकता है कि ये कोई विशेष किस्म की मछली रही हो। नौकरानी की बात से मलका संतुष्ट नहीं हुई। वो सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है भला। तीसरे पहर जब बादशाह दरबार से महल में आए तो मलका ने उनसे कहा, बादशाह सलामत, आज बड़ी ही ताज्जुब वाली बात हुई। इसके बाद मलका ने बादशाह को पूरी बात कह सुनाई। पूरी बात सुनकर बादशाह ने कहा, ये तो यकीनन बहुत ताज्जुब वाली बात है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई मछली हंस भी सकती है। मलका ने बादशाह को टोकते हुए कहा, बादशाह सलामत, इससे बड़ी बात तो ये है कि आखिर वो मछली हंसी क्यों? बादशाह ने मलका की तरफ देखते हुए कहा, ठीक कहती हो, आखिर वो मछली हंसी क्यों? ये सवाल ज्यादा अहम है। मलका ने जिद करते हुए कहा, आपको इस राज को मालूम करना ही चाहिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। दूसरे ही दिन बादशाह ने अपने दरबार में इस बात का जिक्र किया। बादशाह ने दरबार में मौजूद लोगों से कहा, क्या कोई बता सकता है कि मछली क्यों हंसी थी? दरबारियों के बीच सन्नाटा छा गया। किसी को भी नहीं मालूम था कि मछली क्यों हंसी थी। जब कोई कुछ नहीं बता सका तो बादशाह ने वजीर से कहा, मैं मछली के हंसने की वजह जानना चाहता हूं, आप किसी भी तरह से इस बारे में मालूम करके बताइए,
आपको 6 महीने का वक्त दिया जाता है। बादशाह का हुक्म था, इसीलिए वजीर तुरंत ही इस काम में लग गया। उसने राज्य के तमाम ज्योतिषियों से मालूम करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मछली के हंसने की वजह नहीं बता सका। उसने जादूगरों से पता लगाने के लिए कहा, मगर कोई भी जादूगर इस राज से पर्दा नहीं हटा सका। वजीर ने महल के जासूसों को, कुटनियों को इस काम में लगा लिया, मगर कोई भी कुछ भी पता नहीं लगा सका। सारी कोशिशें नाकामयाब होती गई, कहीं से कोई मालूमात नहीं हो सकी। वजीर बेचारा बड़ा ही परेशान हुआ। धीरे धीरे 5 महीने गुजर गए। जब सिर्फ 1 महीना बचा तो वजीर ने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और उससे कहने लगा, मेरे बेटे, बादशाह सलामत ने मुझे मछली की हंसने की वजह बताने के लिए कहा है। 6 महीने का वक्त दिया था, 5 महीने गुजर चुके हैं, अब महज 1 माह बचा है। अगर मैं मछली के हंसने की वजह पता नहीं कर सका तो राजा मुझे सख्त सजा देंगे। तुम पर कोई आंच ना आने पाए इसीलिए तुम इस राज्य से दूर चले जाओ। सुलेमान ने कहा, मैं इस मुसीबत की घड़ी में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लोग मुझ पर बाद में हंसेंगे कि नालायक बेटा मुसीबत में बाप को छोड़कर भाग गया। वजीर ने सुलेमान की एक न सुनी और उसे समझा बुझा कर वहां से रवाना कर दिया। सुलेमान घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़ा। उसने खेत पार किए, नदी पार की, जंगल से होकर गुजरा। इस तरह से दिन भर चलते रहने से वो उस राज्य से बाहर आ गया। कुछ आगे जाने पर उसे एक किसान मिला। वो किसान शहर में सामान खरीदने के लिए गया था। अब वो वापस अपने घर जा रहा था। सुलेमान ने करीब जाकर उसे सलाम किया। वो उससे बातें करते हुए चलने लगा। अकेले सफर करते करते सुलेमान काफी बोर हो गया था। उसने सोचा उस किसान से बातें करते हुए उसका बाकी का रास्ता आसानी से कट जाएगा। इसी तरह चलते चलते वे दोनों फिर एक जंगल से होकर गुजरे। सुलेमान ने कहा कि थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। किसान को बात समझ में आ गई। दोनों घोड़े से उतरे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी सुलेमान ने किसान से कहा, क्या आप 2 कासा गाय का ताजा दूध ला सकते हैं? किसान ये बात सुनकर अचंभित रह गया। उसने कहा, इस जंगल में भला गाय का दूध कहां से मिलेगा? कुछ देर सुस्ताने के बाद उनका सफर फिर से शुरू हो गया। कुछ देर चलने के बाद वो खेतों के करीब से गुजरे। खेतों में पकी हुई फसल खड़ी थी। किसान ने खुश होते हुए कहा, कितनी अच्छी फसल हुई है। इस बात पर सुलेमान ने कहा,
फसल तो खाई जा चुकी है। उसकी बात सुनकर किसान को बड़ा ही अजीब लगा। वो सोचने लगा कि कैसा पागल लड़का है ये। उसने अपने भाव छुपाते हुए सुलेमान से कहा, अभी तो फसल कटी भी नहीं है, खा कहां से ली जाएगी। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। कुछ देर बाद किसान अपने घर पहुंच गया। उसने सुलेमान से कहा, मुसाफिर तुम थक गए होंगे, मेरे घर चलो, खाना खाकर आराम करो, सुबह उठकर अपनी मंजिल की तरफ चले जाना। किसान की बात सुनकर सुलेमान ने कहा, मेरे चलने से तुम्हारे घर की छत गिर ना जाए। अब ये बात सुनकर किसान को बड़ा ही गुस्सा आया, उससे रहा नहीं गया। उसने सुलेमान को टोकते हुए कहा, मुसाफिर तुम कैसी अजीब सी बातें किए जा रहे हो, मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया और तुम मुझसे उठपटांग बातें किए जा रहे हो, मेरे घर नहीं आना तो मत आओ। ये कहते हुए किसान घर के अंदर चला गया। किसान की एक बेटी थी, उसका नाम था गुलनार। वो बड़ी ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। बाप को यूं बड़बड़ाते हुए अंदर आते देखा तो पूछ बैठी, क्या बात हो गई अब्बू, आप इस कदर नाराज क्यों हैं? किसान ने झंझलाहट भरी आवाज में कहा, अरे कुछ नहीं, रास्ते में मुझे एक लड़का मिल गया, चेहरे मोहरे से भला लगा, मेरी उससे बात शुरू हो गई, रास्ते भर बेवकूफी भरी बातें करता रहा, मैं टालता रहा, अभी मैंने घर आने की दावत दी तो कहने लगा कि मेरे चलने से तुम्हारी छत गिर जाएगी। अब्बू की बात सुनकर गुलनार हंसने लगी। फिर उसने कहा, अब्बू वो जरूर किसी अमीर घराने का लड़का होगा, उसका कहने का मतलब है कि उसके घर आने से आप पर बेवजह बोझ पड़ेगा। किसान ने बेटे की बात सुनी तो वो सोच में पड़ गया। गुलनार की बात उसे ठीक लगी। फिर उसने कहा, अच्छा बेटी, उसकी बाकी बातों का मतलब भी समझाओ जो वो रास्ते भर करता आया। फिर किसान ने कहा, वो जंगल में कहता था कि गाय का दूध ले आओ। गुलनार ने कहा, अब्बू उसकी बात का मतलब था कि अगर दूध का सा ताजा पानी मिल जाए तो ताज किया जाएगी। किसान ने आगे का हाल बताया और वो फसल को देखकर कहता था कि फसल खाई जा चुकी है। गुलनार ने अर्थ समझाते हुए कहा, अब्बू उस नौजवान का कहने का मतलब था कि अगर किसान ने सुदखोर के कर्ज लेकर फसल उगाई होगी तो सारी फसल सुदखोर ले जाएगा, किसान को तो कुछ नहीं मिलेगा। बेटी गुलनार की बात सुनकर किसान ने कहा, अरे मैं ही बावला ठहरा, वो लड़का तो बहुत ही समझदार है, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूं। कुछ देर बाद
किसान सुलेमान को ढूंढ लाया। गुलनार ने उसे पीने के लिए नाश्ता पानी दिया। रात को जब खाने की बारी आई तो गुलनार ने सोचा कि उसे भी इस नौजवान का इम्तिहान लेना चाहिए, देखे तो भला कि वो कितना समझदार है। गुलनार ने एक तश्तरी में 12 रोटियां रखी, एक कटोरे में खीर भरी और एक जग में लबालब दूध भरा। फिर नौकर को बुलाकर कहा, ये सब सुलेमान के सामने जाकर रखना और उससे कहना, साल में 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात है और समंदर में पानी लबालब भरा हुआ है। अब नौकर जरा लालची किस्म का था। गुलनार के वहां से हटते ही उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा खाना वो भी खा ले इसमें से, किसी को क्या पता चलेगा। नौकर ने खीर के साथ एक रोटी खा ली, दूध में भी थोड़ा सा पानी डाला। फिर उसने सारा सामान ले जाकर सुलेमान के सामने रख दिया। इसके साथ ही उसने गुलनार का संदेश भी उसे सुनाया। पूरी बात सुनकर उसने नौकर से कहा, आप अपने मालकिन को शुक्रिया कहिएगा और कहिएगा कि साल में 11 महीने होते हैं, आधे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब नहीं है। नौकर ने गुलनार को सुलेमान का पैगाम सुना दिया। गुलनार तुरंत ही समझ गई कि नौकर ने बीच में खाने की चोरी की है। उसने नौकर से डपट कर पूछा तो उसने मान लिया। खाना खा चुकने के बाद गुलनार ने कहवा बनाया, वो ट्रे में 3 प्याले सजाकर ले गई। तीनों कहवा पीने लगे। इसी दौरान सुलेमान ने मछली के हंसने वाली बात का उनसे जिक्र किया, साथ ही कहा कि अगर उसके अब्बा ने जवाब नहीं दिया तो बादशाह उन्हें सजा देगा। फिर सुलेमान ने गुलनार से कहा, क्या आप मेरी इस मामले में कोई मदद कर सकती हैं? उसकी इल्तिजा पर गुलनार कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, मुझे मछली के हंसने का राज पता चल गया है, लेकिन मैं ये राज बादशाह के सामने ही जाहिर करूंगी। गुलनार की बात सुनकर सुलेमान बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह जल्दी ही सुलेमान गुलनार को लेकर अपने महल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके अब्बा परेशानी के आलम में बैठे हैं। उसने अपने अब्बा को सलाम करते हुए कहा, आप बिल्कुल भी परेशान न हो अब्बा, मछली के हंसने का राज पता चल गया है। सुलेमान की बात सुनकर वजीर के चेहरे पर सुकून छा गया। वजीर उन दोनों को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। वजीर को देखते ही बादशाह ने पूछा, क्या वजीर, कुछ मालूम चला कि मछली क्यों हंसी थी? वजीर ने अदब के साथ जवाब दिया, जी बादशाह सलामत, इस राज का पता चल गया है, इसका जवाब गुलनार देगी। गुलनार ने बादशाह को सलाम किया
फिर कहने लगी, बादशाह सलामत, उस मछली को आपके महल के बारे में एक राज का पता चल गया था, इसीलिए वो हंसी थी। गुलनार की बात पर बादशाह चौंक पड़ा। उसने पूछा, कैसा राज? गुलनार ने कहा, हुजूर, उस राज से पर्दा हटाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजाम करना पड़ेगा और थोड़ा सा इंतजार भी। बादशाह ने गुलनार की बात सुनकर कहा, अपनी बात साफ साफ कहो। गुलनार ने बादशाह से कहा कि वो अकेले में सब कुछ बता सकती है। बादशाह ने सभी से बाहर जाने के लिए कहा। जब वहां गुलनार और बादशाह बचे तो उसने सब कुछ कह सुनाया। गुलनार की बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने गुलनार की मांग के मुताबिक महल की सभी नौकरानियों को बाग के बड़े से तालाब के किनारे जमा होने का हुक्म दिया। कुछ देर में ही सभी नौकरानियां वहां जा पहुंची। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि सभी को तालाब के उस छोर तक जाना है, फिर लौट कर आना है। बादशाह के हुक्म की देर थी, सभी नौकरानियां तालाब में कूद पड़ी। कोई भी नौकरानी तालाब के दूसरे छोर से लौट कर नहीं आ सकी, सिवाय एक नौकरानी के। उस नौकरानी के तालाब के दूसरे छोर पर पहुंचते ही बादशाह ने सिपाहियों से उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जब उससे सख्ती से पूछा गया तो उसने बताया कि वो औरत नहीं मर्द है और चोरी के इरादे से महल में नौकरानी के भेष में रह रहा था, मगर अभी तक मौका हाथ नहीं लगा था। गुलनार ने बादशाह से कहा, जब मलका ने मछली वाली से पूछा था कि वो मछली नर है या मादा, तो मछली इसीलिए हंस पड़ी थी कि मलका के महल में ही एक मर्द औरत बनकर रह रहा है और मलका मेरे बारे में पूछ रही है। बादशाह ने गुलनार को खूब सारा धन दौलत दिया और सुलेमान के साथ उसकी शादी करा दी। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मगर अब समय हो गया है आपके सोने का। निंदिया रानी धीरे से आपकी आंखों में बस रही है और आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।